नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला, DICS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो नीलगिरी तहर है। नीलगिरी तहर आपको एक स्पीसीज दिख रही है जो गोट या सिप जैसी एक स्पीसीज है जो कि न्यूज़ में थी। और न्यूज़ में क्यों थी, कहाँ पर थी, इंडिया के किस कोने में पाई जाती है, आज के लेक्चर में इसको पूरा टोटली कवर करेंगे। आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो ये आपके स्टालिन हैं, ये जो है चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, और इन्होंने जो है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर स्टार्ट किया है तो ये कवर भी हुआ होगा, तो ये आपका द हिंदू में बहुत ही अच्छे से कवर हुआ था आर्टिकल प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, और बाकी सब न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया। टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा सा आर्टिकल लिखा। दैट्स वाई ये हमारे लिए करंट अफेयर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से सेगमेंट में इंपॉर्टेंट है, तो एनवायरमेंट का सेगमेंट हो सकता है आपका, GS3 का सेगमेंट है, और स्पीसीज इन न्यूज़ एक सेगमेंट आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि नीलगिरी तहर आखिरकार है क्या। ठीक है, अबाउट नीलगिरी तहर, तो सबसे पहले तो नीलगिरी तहर के बारे में एक छोटी सी बात जान लीजिए और बहुत ही फैक्चुअल बात है। नीलगिरी तहर इज़ द ओनली माउंटेन अनगुलेट। अनगुलेट क्या होता है, तो अगर इसका आप हिंदी में अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है खुर। खुर मतलब आप ये जो देख पा रहे हो जितने भी जानवर हैं उनके पैरों को देखो, इसे बोलते हैं खुर। इनके कोई फिंगर्स नहीं है, क्या है ये, खुर पे चल रहे, हुप्स बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है जिसके पास खुर होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है अनगुलेट। ठीक है, ये आपका क्या है, अनगुलेट। और लेकिन खासियत क्या है इसके बारे में, तो नीलगिरी तहर एक अकेली ओनली माउंटेन अनगुलेट है, कहाँ की, सदर्न इंडिया की, जो कि माउंटेन्स में रहती है। और इंडिया में और भी बहुत सारे अनगुलेट होते होंगे जो माउंटेन्स पे रहते होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है। हाँ, 12 ऐसी स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं जो अनगुलेट हैं और वो माउंटेन में रहती है। कहाँ रहती है, माउंटेन में रहती है, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी स्पीसीज है नीलगिरी तहर जो सदर्न इंडिया में पाई जाती है जो कि माउंटेन में रहती है। यानी बाकी जब स्पीसीज होगी वो एक्चुअली में कहाँ रहती होगी, आपके हिमालय साइड रहती होगी, या तो फिर कहाँ पे मेजोरिटी मिलती होगी, जैसे कि याक वगैरह जो है अरुणाचल प्रदेश यानी कि आपका ईस्टर्न हिमालय साइड मिलती होगी। तो सदर्न इंडिया में आपके पास सिर्फ एक अनगुलेट है, क्या नाम है, नीलगिरी तहर, जो कि आपके सदर्न इंडिया के माउंटेनस एरिया में पाई जाती है। अगर बात करें ये डेटा कहाँ से मिला, तो ये WWF की वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ पर आप जैसे ही लिखोगे नीलगिरी तहर तो आपको ये दिखेगा सेम लाइन। ठीक है, द नीलगिरी तहर इज़ द ओनली माउंटेन अनगुलेट इन द सदर्न इंडिया अमॉन्ग्स द 12 स्पीसीज प्रेजेंट इन इंडिया, और ये जो है आपका स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु भी है। स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हर स्टेट का आपको मेजोरिटी जो है आपको स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर वगैरह पता होना चाहिए। कहाँ से पता करोगे, तो ये आप यहाँ से पता करोगे, ये वेबसाइट देख लीजिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट है, और ये रहा लिंक। आप जैसे इस लिंक पे आप जाओगे तो आपको ये कॉलम खुलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हर एक जो है स्टेट के बारे में, एनिमल क्या है उसका, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट ट्री क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, और स्टेट बटरफ्लाई क्या है, ये आपको अच्छे से यहाँ पे दिखेगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट है। दैट्स वाई आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखें बिहार, बिहार का स्टेट एनिमल क्या है, गौर। उसका स्टेट बर्ड कौन सा है, इंडियन रोलर। स्टेट ट्री कौन सा है उसका, पीपल। और स्टेट फ्लावर कौन सा है, कचनार। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात का स्टेट एनिमल ऑब्वियस ही बात है एशियाटिक लायन होगा। आपका स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो, और स्टेट ट्री बनियान, और स्टेट फ्लावर क्या है, मैरीगोल्ड। तो आपको क्या करना है, सारे स्टेट्स के आपको स्टेट एनिमल, बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट बटरफ्लाई याद रखना है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो स्पेशल है वो है बटरफ्लाई। आज के टाइम पे बटरफ्लाई बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत सारे स्टेट्स क्या कर रहे हैं, स्टेट बटरफ्लाई भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आपको वो सारे स्टेट्स के नाम पता होना चाहिए जो कि स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नीलगिरी तहर की तरफ। तो नीलगिरी तहर जो है, हमने ये पता कर लिया कि इट्स अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, पहला फैक्चुअल डेटा। दूसरा ये है कि ये अकेला अनगुलेट है जो कि आपके सदर्न इंडिया के माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है। अब बात करते हैं IUCN स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस इसका क्या है, एंडेंजर्ड। यानी कि ये कौन सी स्पीसीज है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि बहुत ही खतरे में है, खतरे में है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी हिल्स पे पाई जाती है। नीलगिरी हिल्स को अभी हम लोग अलग से कवर करेंगे, जहाँ पे नीलगिरी को सोला फॉरेस्ट भी कहा जाता है, वहाँ पे सोला ग्रासलैंड्स पाई जाती है। ठीक है, आपको नीलगिरी हिल्स पता होने चाहिए कहाँ पे है, ये सदर्न पोर्शन में पाए जाते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के सदर्न पोर्शन में जहाँ ये दोनों मिलते हैं।
फिर आगे बात करते हैं ये कहाँ मिलती हैं ये सारी स्पीसीज, तो माउंटेन ग्रासलैंड जो है, यानी एक ग्रासलैंड होता है माउंटेन ग्रासलैंड, जो कि सोला फॉरेस्ट भी उसे कहा जाता है, ठीक है। और ये 500 से 1600 मीटर के ऊंचाई पे आपको ये माउंटेन ग्रासलैंड्स मिलेंगी, जिसे सोला फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये स्पेसिफिकली केरला में पाई जाती हैं, केरला, तमिलनाडु, और स्पेसिफिकली बात करें तो थोड़ा थोड़ा सा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे, नीलगिरीज जहाँ जहाँ फैले हुए। थ्रेट क्या है इसको? थ्रेट है पोचिंग, मतलब इसका शिकार हो रहा है, और हैबिटेट लॉस होना इसका। तो आपका जो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है, एक्चुअली में वो चाहता है कि इसका जो ट्रेडिशनल आपका हैबिटेट है, किसका? नीलगिरी तहर का, जो कि आपका सोला ग्रासलैंड्स है, या फिर कह सकते हैं सोला फॉरेस्ट है, इस ग्रासलैंड में जाना ये चाहती है, इसको वहाँ पे वापस इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि इसका नंबर क्या है, ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ पोचिंग। और ऊपर से इसका जो खाना है यहाँ पे ग्रासलैंड, वहाँ पे क्या हो रहा है, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग हो रहा है, मतलब वो जो फार्मर्स है मेजोरिटी क्या कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक मतलब आपके गाय भैंस बछड़े वगैरह जो होते हैं उसको जो है क्या करते हैं, उस ग्रासलैंड में छोड़ देते हैं और वो इनका खाना खा लेते हैं। और डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है, ठीक है। और मोनोकल्चर और ऊपर से इन्वेजिव स्पीसीज का जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाती है ग्रासलैंड की, जो ग्रासेस पाए जाते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और इन्वेजिव स्पीसीज आ रही है। और इन्वेजिव स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जो यहाँ की नहीं है, बाहर की है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो आपकी नीलगिरी तहर है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, नीलगिरी में ही पाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसको यहाँ की ही घास, जो लोकल घास है वही पसंद होगी, बाहर की कोई भी घास या इन्वेजिव स्पीसीज आती है तो ये उसको ईजिली अडेप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब उसको अपने भोजन की शैली में ऐड नहीं कर पाएगा। डैट्स वाई इसको जो है कह सकते हैं कि इसका एक खाने की हैबिट भी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब अगर बात करें तो नीलगिरी तहर आखिरकार कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो एक नेशनल पार्क है, याद रखना, एराविकुलम नेशनल पार्क, ये जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्ड करता है किसका, नीलगिरी तहर का, ठीक है। अब आपका ये एक होमवर्क है कि एराविकुलम नेशनल पार्क आखिरकार कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आप इसको आंसर में बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन सा स्टेट में एराविकुलम नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें मेल्स और फीमेल्स की, नीलगिरी तहर की अगर बात हो रही है तो अगर मेल्स और फीमेल्स की बात करें तो उसमें मेल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लार्जर देन फीमेल, और मेल जो होता है वो थोड़ा सा डार्कर कलर का हो जाता है जब वो मैच्योर होता है तब। और दोनों ही सेक्सिस में, मतलब दोनों ही मेल और फीमेल में आपको ये कर्व्ड हॉर्न मिलेंगे, ये जो हॉर्न जो है पीछे दिख रहे हैं आपको, पीछे की तरफ जाते हुए कर्व्ड होते हुए, मेल और फीमेल दोनों में ही आपको ये कर्व्ड हॉर्न्स दिखेंगे। लेकिन जो बड़ा हॉर्न होगा ऑब्वियसली बात है किसके पास होगा, वो मेल के पास होगा। 40 सेंटीमीटर तक की हाइट हो सकती है या फिर लेंथ हो सकती है किसकी, हॉर्न की, मेल्स में, और 30 सेंटीमीटर की लेंथ हो सकती है फीमेल्स में हॉर्न की, ठीक है। तो ये था आपका नीलगिरी तहर के बारे में। बात करते हैं आगे, तो ये आपको मैंने बताया कि ये आप स्टेट एनिमल्स, बर्ड, ट्री और फ्लावर देख सकते हो इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ये सोला फॉरेस्ट, यानी जो इसका हैबिटेट है स्पेसिफिकली नीलगिरी तहर का, कहाँ पे है, सोला फॉरेस्ट पे। और सोला फॉरेस्ट आखिरकार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। सोला को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सोला एक जो है तमिल वर्ड, जो कोलई, तमिल वर्ड है कोलई, उसका मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। इस तमिल वर्ड कोलई से ये क्या हुआ है, ये ओरिजिनेट हुआ है क्या, सोला वर्ड, ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा सा। बात करते हैं सोला फॉरेस्ट की, तो सोला फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप ये देख पा रहे होगे, ये तमिलनाडु है, ये केरला है, और ये कर्नाटका है। इस एरिया में आपको सोला फॉरेस्ट या फिर माउंटेन ग्रासलैंड का डोमिनेंस यहाँ पे देखने मिलेगा। अभी हम सोला फॉरेस्ट को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये रहा नीलगिरीस, ठीक है, ये रहा अनामलई हिल्स, पलानी हिल्स, ये जितना भी एरिया है ये मेजॉरिटी, ये एरिया क्या है आपका, सोला फॉरेस्ट से डोमिनेटेड एरिया है। और ये है आपकी नीलगिरी तहर। अब बात करते हैं कि ये पूरे एरिया में मिलती है ग्रासलैंड्स, तो नहीं, एक्चुअली में आप ये पैचेस देख सकते हो, ये आपका जहाँ पे रेड कलर दिख रहा है वो क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड, मतलब ऐसे एरिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सोला फॉरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो आप देखो, ये रहा एराविकुलम, आई होप आप लोग को यहाँ पे आंसर पता चल गया होगा एराविकुलम कौन से स्टेट में आता है, बट स्टिल वी वॉन्ट कि आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आप देख सकते हो, ये आपका वेस्टर्न घाट्स यहाँ से आ रहा है और ये ईस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ रेड पैचेस दिख रहे हैं, ये देखो एराविकुलम, अनामलई और परम्बिकुलम, ये जो है यहाँ पे आपको दिखोगे बीच में, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये रेड कलर का माउंटेन ग्रासलैंड एरिया, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सोला फॉरेस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहे हैं, सोला फॉरेस्ट दिख रहे हैं।
आप भी ऊपर चलो वहाँ पे भी दिख रहे हैं, वायनाड एरिया में भी दिख रहे हैं, मतलब वायनाड आपको पता ही है फेमस एरिया है, ठीक है ये। और ऊपर यहाँ पे बड़ा पुष्पागिरी भी दिख रहा है, कुद्रेमुख यहाँ पे भी आपको 16 फॉरेस्ट दिख रहे हैं, देख रहे हो आप रेड कलर के। और बाबा बुदान हिल्स यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, ये आपको 16 फॉरेस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आई होप आप लोग को पता चल गया होगा ये रेड कलर के पैचेस जो हैं आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे 16 फॉरेस्ट दिख रहे हैं। अगर नीचे जाओगे तो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये देखो यहाँ तिरुवनंतपुरम के आसपास भी इस एरिया में जहाँ पे आपको KMTR करके इधर एक जगह है, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, 16 फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। 16 फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। 16 फॉरेस्ट क्या है, एक ग्रासलैंड की जगह है, माउंटेन ग्रासलैंड जगह, 16 फॉरेस्ट कह लो या फिर माउंटेन ग्रासलैंड कह लो, बात एक ही है, ठीक है। ये जो है आपका ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है, जो कि यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, ये इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। और यहाँ पे इकोसिस्टम कैसा है, थोड़ा मोसाइक इकोसिस्टम है, मोसाइक मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैसा मिलेगा, फ्रॉस्ट वगैरह मिलेगा, थोड़ा सा कूल टेम्परेचर रहेगा। और ये पाया कहाँ जाता है, तो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। आई होप आप लोग ये मैप से समझ गए होंगे, ये है केरला, तमिलनाडु और ये आपका कर्नाटका। तो ये एरिया में आपको क्या मिल रहा है, 16 फॉरेस्ट दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं पिक्चर्स। 16 फॉरेस्ट आप देख सकते हो, ये ग्रासलैंड दिख रहा है आपको, देखो ये फॉरेस्ट का एरिया है। और ये फॉरेस्ट को आप ध्यान से अगर देखो तो ये फॉरेस्ट एरिया जो है इस ग्रासलैंड्स के साथ क्या है, घिरा हुआ है। और ये ग्रासलैंड की अगर मैं खासियत बताऊँ तो ये ग्रासलैंड ऐसा ग्रासलैंड है जो कि क्या होता है, रात के समय यहाँ पे ठंडी होती है और मॉर्निंग के टाइम पे भी क्या होता है, कभी कभी यहाँ बहुत ठंडी होती है, फ्रॉस्ट जम जाती है। फ्रॉस्ट मतलब बर्फ़ का एक लेयर जम जाता है इस ग्रास के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये पूरी ग्रासेस जो होती है क्या बन जाती है, फायर रेजिस्टेंट बन जाती है, समझे, ये फायर रेजिस्टेंट बन जाती है, मतलब इस पर आग नहीं लगती। तो इससे होता क्या है कि ये फॉरेस्ट की जो सिक्योरिटी है और बढ़ जाती है, समझे। तो यहाँ पर कभी आग मेजोरिटी देखने नहीं मिलती। और आप देख सकते हो ये क्या है, हाई अल्टीट्यूड ग्रासलैंड है, ठीक है। ये ग्रासेस देख सकते हो बहुत ही ऊपर आपको दिखेगी और जो कि बहुत ही रेयर है, ठीक है। और ये देखो, ये रही आपको कुछ इमेजेस दिख रही हैं, ये देखो ये आपके ग्रासेस है और जो कि बहुत ही रेयर होती हैं, इसलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साइट्स क्रिएट करती हैं। और यहाँ पे एक और पौधा भी उगता है कुरुंजी करके, 12 साल में एक बार ब्लॉसम होता है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं आगे। अब अगर बात करें 16 फॉरेस्ट और ग्रासलैंड कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे आपने देखा, इसका ओरिजिन कब हुआ था, तो इसका ओरिजिन थोड़ा सा क्या है, डिबेट के बेस पे जाता है, ठीक है। साइंटिफिक डिबेट बहुत करते हैं इस पर, क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो पोलन एनालिसिस अगर आपने किया नीलगिरीज का, तो हमें ये पता चला कि जो ये ग्रासलैंड का कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअली में 35,000 साल पुराना है, ठीक है। जब पोलेंस हमने इनके यहाँ स्टडी किए तो हमें ये पता चला कि ये सब 35,000 साल पुराने हैं। अब ये 35,000 जब नंबर आता है तो एक्चुअली में ये आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे उस टाइम पे ह्यूमन नहीं थे, ठीक है। 35,000 साल पहले मतलब ह्यूमन का यहाँ पे उतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर ह्यूमन्स के इम्पैक्ट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये तरह की ग्रासलैंड आई। कैसे आई, तो भाई नॉर्मली ये एक बहाना दिया जाता है कि जो आपको हिल्स दिख रहे हैं, ये ग्रासेस जो दिख रही हैं, एक्चुअली में क्या था, पहले यहाँ जंगल ही था। लेकिन आपको पता होगा एक वर्ड यूज़ होता है, झूम कल्टीवेशन, ठीक है। झूम कल्टीवेशन में क्या होता है, आप जंगल को काटते हो और वहाँ पे खेती करते हो, और जब 2-3 साल यहाँ खेती करते हो उसके बाद जब लगता है कि अब यहाँ अच्छे से उपज नहीं हो रही तो आगे बढ़ते हो, और यहाँ पर भी जंगल को काटते हो, पीछे वाले लैंड को छोड़ देते हो। तो ऐसे कुछ लोग बहाना देते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही हुआ होगा पूरे एरिया में, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सब एरिया छूट गया और यहाँ पे किसी एक ग्रास ने क्या किया, यहाँ पे डोमिनेंट किया और जंगल को उगने नहीं दिया और घास के मैदान यहाँ पे बड़े बड़े बन गए। बट जब पोलन एनालिसिस हुआ तो हमें ये पता चला कि एक्चुअली में वो जो ग्रासेस हैं उनका जब पोलन देखा गया, फिर कह सकते हैं नीलगिरी फॉरेस्ट के पोलन एनालिसिस से ये पता चला कि 35,000 ईयर अगो के ये क्या करते हैं, ट्रेसिस बताते हैं। अब 35,000 ईयर के पहले अगर बात करें तो अगर ह्यूमन कोई मिल भी गया, अगर मान लेते ह्यूमन होमो सेपियंस नहीं मिलते, लेकिन अगर मान लेते हैं कि उसके पुराने अगर हमारे एंसिस्टर्स मिलते हैं, तो उनके पास इतना बड़े औजार नहीं थे कि आप इतना बड़ा पैचिस जो है किसके, ये ग्रासिस के जो पैचिस आपने बनाए, मतलब इतना आप फॉरेस्ट भी काटे होंगे, तो ऑब्वियसली बात है इतना पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, डिबेटेबल इशू है। आगे बात करते हैं, अगर 16 फॉरेस्ट की बात करें तो 16 फॉरेस्ट क्या है, ये इंटरस्प्रेड है किसके द्वारा, आपके माउंटेन ग्रासलैंड्स के द्वारा।
अब माउंटेन ग्रासलैंड कैसी कैरेक्टर अपने पास रखती हैं, तो भाई फ्रॉस्ट एंड फायर रेजिस्टेंट ग्रास है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई ये जो सोलह फॉरेस्ट है वो आग से बचा रहता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रासलैंड है आजू बाजू वो कैसी है, फायर रेजिस्टेंट है। प्लस एक थिक कंसंट्रेशन ऑफ मॉसिस भी पाई जाती है, मॉसिस और लाइकिंस, ये जो है आपके ऊंचे एरिया में, हाई एलिवेशन एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सोलह फॉरेस्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व रहता है। आगे बात करते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड एरिया है और एलिवेटेड एरिया है, और इसका कैरेक्टर कैसा है, एवरग्रीन कैरेक्टर है। इसकी वजह से क्या होता है, सोलह फॉरेस्ट के पास ऐसी बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज़ है। एंडेमिक स्पीसीज़ मतलब ऐसी स्पीसीज़ जो कि बस वहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। ऐसी प्लांट स्पीसीज़ भी बहुत सारी है, और ऐसी बहुत सारी फौना स्पीसीज़ मतलब बहुत ही सारी एनिमल स्पीसीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ वहीं पाई जाती है। डेट्स वाई ये जो है आपका वन टाइप ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया है। और यहाँ पे आप हम पढ़ कौन सा रहे हैं, नीलगिरी तहर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आप भी समझ सकते हो नीलगिरी तहर मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, सिर्फ नीलगिरी में पाया जाता है, ठीक है। अब एक और स्पीसीज़ के बारे में जान लो जो कि न्यूज़ में बहुत रहती है, कुरुंजी। और अगर बात करें अगर तमिल वर्ड तो नीलन कुरुंजी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, और नॉर्मली कुरुंजी वर्ड बोला जाता है। कुरुंजी कुछ इस प्रकार से दिखती है, एक वन टाइप ऑफ फ्लावर है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। ये खासियत क्या है इसकी, तो ये वेस्टर्न घाट्स में स्पेसिफिकली 16 फॉरेस्ट में ज़्यादा पाई जाती है। और ये खास क्या है इसके अंदर, तो ये सिर्फ और सिर्फ 12 साल में एक ही बार क्या होती है, ब्लॉसम होती है, यानी आपको देखने मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 12 साल के बाद एक, मतलब 12 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको ये क्या, ये कुरुंजी देखने मिलेगी। तो ये आप देखो कुरुंजी से भरा हुआ पूरा का पूरा नीलगिरी माउंटेंस, तो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सीन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये था आपका 16 फॉरेस्ट, और हमने देखा नीलगिरी तहर के बारे में, ठीक है, ये रहा नीलगिरी तहर। और हमने चर्चा क्यों स्टार्ट की थी, बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया कि भाई एक तो ये एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और दूसरा आपका एक और प्रोजेक्ट है वो 12 स्पीसीज़ में से एक स्पीसीज़ तो आपने देख ली अनगुलेट, जो कि माउंटेन्स में पाई जाती है इंडिया में। अब 11 स्पीसीज़ का नाम बताइए जो कि इंडिया के माउंटेन्स पे देखने मिलती है। आपने एक तो पकड़ लिया कौन सी, नीलगिरी तहर, जो कि सदर्न इंडिया की अकेली स्पीसीज है जो माउंटेन में पाई जाती है, जिसके पास खुर है या हूप्स है। अब बाकी की 11 स्पीसीज़ को भी आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ यहाँ पर हम एंड करते हैं प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर पर, और मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच।